हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिराज अंसारी। आप यहां पे देख सकते हैं ये पूरा टाइप चला गया है। यहां पे भी आपको दिखाता हूं, ये देख सकते हैं ये पूरा जो है इसका निकल चुका है। तो इसको अभी मैं चेंज करने वाला हूं। कौन सा टायर अभी लगाएंगे और कैसे चेंज करेंगे सारा आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे की ओर ले जाते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे अगर आपका टायर पंचर भी हो या फिर टायर चेंज करवाना हो तो सबसे पहले जो है हमें टायर वाले के पास ले जाना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं टायर अभी जो है अभी खोल रहे हैं, और ये खोलने के बाद जो है जेसीबी से इसको हम दबाने वाले हैं ताकि ये इसका बिट जो है डिस्क का वो अलग हो जाए और अच्छे तरीके से आसानी से जो है टायर जो है अलग हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है इसको दबाने ही वाला हूँ जेसीबी से। और मैं यहाँ पे कौन सा टायर लगवाने वाला हूँ, कौन सा अच्छा टायर होता है जेसीबी के लिए, लोडर के लिए, वो फ्रेंड्स अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है थोड़ा सा टायर को मैं दबा करके दे देता हूँ ताकि जो है इसका अच्छे तरीके से डिस्क जो है बाहर निकाल पाए और नया टायर इसमें जो है बैठा पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं बहुत सारे टायर को यूज लिया हूँ, जैसे MRF हो गया, C8 का हो गया, और ढेर सारे टायर जो है मैंने लगवाया हूँ। लेकिन जितना टिकाव होना चाहिए, जिस तरह से कीमत होता है उस तरह से टिकाव भी होना चाहिए। तो बहुत से ऐसे लगवाए हूँ लेकिन वो जो है टिकाऊपन में जो है कम होता है। और ये जो मैं टायर लगवाया हूँ इस कंपनी का, जो भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ, गाड़ी से उतरने ही वाली। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ियाँ से अभी उतरने ही वाली। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है उतार रहा हूँ, और ये जो है टायर बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। आप चाहे तो आगे आप देख सकते हैं लगा करके भी एक बार कि किस तरह से इसका जो है क्वालिटी होता है। 100% जो है नायलोन का बना है और प्योर नायलोन का है। आपका ये जो है टायर बहुत दिनों तक ही चल पाएगा, क्योंकि मैं बहुत से टायर हैं यूज लिया हूं, और यूज लेने के बाद भी देख रहा हूं कि ये टायर जो है, मैं एक पहले टायर जो है लगवा चुका हूं, तभी मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये जो टायर है बहुत ही अच्छा तरीके से बना हुआ है और नायलोन से बना हुआ है। नायलोन से बना होने के कारण ये है कि जब भी आप पत्थर में चलाओगे तो भी जो है टायर जो है उस पर जंप करके उसका कटने से रोक सकता है। और जो फ्रेंड्स और जो टायर हैं वो ज़्यादा खुरदुरा करके वो निकलता ही रहता है। तो देख सकते हैं इस टायर का जो है क्वालिटी बहुत ही हमें अच्छा पसंद आया। और MRF जो टायर है वो भारत की नंबर वन कंपनी है, फिर भी जो है वो 100% जो है नायलोन का नहीं होता है, सिर्फ उसका जो है प्रचार के वजह से लोग उसमें फंसे रहते हैं। तो इस तरह से जो है रेट तो लग ही जाता है लेकिन आप जो है चॉइस क्वालिटी ब्रांडेड को नहीं चुन पाते हैं। फ्रेंड्स, लोकल जिस तरीके से देगा आपको एक ब्रांडेड, वो कोई ब्रांडेड कंपनी उसको माल मटेरियल्स का उस तरीके से नहीं दे पाता है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से फिटिंग अभी जो है चल रहा है। अभी मैं सिर्फ दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं ब्रांड कंपनी का जो है क्या बना है, क्या चीज़ से बना है और फिर किस नाम से है। तो देख सकते हैं BKT टायर, इस कंपनी का नाम है BKT टायर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं टायर का जो है मॉडल किया गया है इतने अच्छे से दिख रहा है और बेहतरीन तरीके से है। लोडर प्लस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको ब्रांडेड कंपनी भी दिखाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है BKT। फ्रेंड्स, BKT टायर जो है एकदम नायलोन का बना है, प्योर नायलोन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जेसीबी में दूसरा टायर जो है वही मैं एक महीना पहले लगवा चुका हूँ, और वो जो है मशीन मेरा जारी है और चल भी रहा है। तो देख सकते हैं अभी टायर में आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल जो पीछे का जो टायर मैं लगवाया हूँ 2 महीने से ही चल रहा है, एक भी थोड़ा सा कहीं की प्रॉब्लम जो है नहीं आया है, क्रोच विरोच कट वट ऐसा बुरादा जैसा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं दूसरा टायर जो है वही वाला जो है कंपनी का लगवाया, BKT टायर। तो वही फ्रेंड्स दोनों जो है अभी मेरा सेम हो गया है, और मैं आगे आपको दिखाता ही रहूँगा कि टायर का जो है क्वालिटी किस तरीके से जो है पत्थर में चल करके इसका जो सामने आ रहा है वो चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखवाऊँगा। और मेरा वीडियो हमेशा आता रहता है हर जेसीबी से रिलेटेड, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता ही रहेगा। जेसीबी से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो या सोल्यूशन हो हमारे चैनल पे मिलता ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर सिराज अंसारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर एक वीडियो देखने को मिलता ही रहे। तो फ्रेंड्स, अगर जेसीबी का टायर में हवा कितना रखना है आगे पीछे अगर नहीं दिख रहा होगा तो हमारा एक इंड स्क्रीन में वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि टायर में हवा कितना रखना चाहिए आगे वाले टायर में, पीछे वाले टायर में, हर प्रकार का हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और लास्ट एंड स्क्रीन में 2 वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो के साथ।